नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया है उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 24 फरवरी 2020 के लिए मैंने बाइसल लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद बाइसल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी इनसाइड द बार इंडस्ट्री फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप मैंने बीच बीच में देता हूँ, वो भी ऑलरेडी बहुत सारा चार्ट का सेटअप स्ट्रैटेजीज बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो बिगिनर्स प्रोफेशनल सभी को काम पर आएगा। तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा ये वीडियो ये फाइल में मेरा जो भी फाइल है एक्सेल फाइल बाइसल लेवल कम स्किनर, इसमें क्या क्या है हाउ टू स्क्रीन और क्या क्या है कैसे स्क्रीन करना है इसका परफॉर्मेंस कैसा है तो ये आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप लोग काम पे लगा के इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही आसान से ट्रेड कर सकता है। तो इसीलिए वो सब वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। और इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो लिंक दिया हुआ है यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। और भी ये लिंक मतलब ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को दिया जाएगा, उसको उधर भी आप लोग देख सकता है। तो मैंने बाइसल अच्छा तो मैंने एक नया चीज़ डेवलप कर किया हूँ तो उसको पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। ये भी बहुत ही काम का है तो इसीलिए आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इधर देखिए मैंने पहले शॉर्ट टर्म EMS और कुछ लॉन्ग टर्म EMS जो दिखाया हूँ। तो इसका एक ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म EMS एंड ये ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म EMS, इसका एवरेज शॉर्ट टर्म EMS इसका शॉर्ट टर्म EMS का एवरेज किया हूँ और एवरेज लॉन्ग टर्म का एवरेज किया हूँ। उसके बाद कौन सा स्टॉक एवरेज का शॉर्ट टर्म का ऊपर है और एवरेज डाउन ट्रेंड में कौन सा है ऊपर आप लोग देख सकते हैं। सोच लीजिए मैंने आप लोग को एक दिखा देता हूँ और इसका आप लोग को कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, ये ट्रेडिंग व्यू में आप लोग देख सकता है। अभी मूविंग मल्टीपल मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म सभी समय नहीं है, पुल बैक हो सकता है, पुल बैक होके ये इधर है। तो इधर जब तक ना लॉन्ग टर्म ई में का सपोर्ट ब्रेक करता है तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। ये क्लियर पिक्चर दिखाता है, बहुत ही आसान होगा ट्रेंड का। तो ये आप लोग को इसका लगा इधर थोड़ा सा आप लोग का कुछ ट्रेंड में दिखा दिया जो है इधर जो टर्म जो मूविंग एवरेज है और वाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से लेकर टारगेट 8 बाएं तरफ, टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। इसके बाद टारगेट वाइसल लेवल 2 वाई लेवल एंड सेल लेवल 2, इसके बाद वाई लेवल सेल लेवल 3 आएगा, ये वाई लेवल सेल लेवल 3 स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग नोट कर सकता है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और प्राइस चैनल बोलिंजर बैंड टीरॉन लेवल, ये भी वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है, ये भी आप लोग का एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और इंडेक्स का व्यू दिखाऊंगा। तो ये वाई लेवल सेल लेवल 1 आप लोग कोई भी इस्तेमाल करके इसको लाइव मार्केट मॉनिटर कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पर्टिकुलर पिवट पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकता है। और जो लोग को फाइल मिलता है वो फिबोनाची का डे 1 का 1 डे का हिसाब से, 5 डे का हिसाब से, 15 डे का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से आप लोग कंपेयर कर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी को। इसमें कोई अच्छी तरह से आप लोग इसको मॉनिटर कर सकता है। और कमोडिटी में देखता है, कमोडिटी में बाई सेल लेवल 1 2 3 2 चला गया, ये 3 आएगा पिवट पॉइंट। इसके बाद और भी कुछ बाकी रहेगा, नेचुरल गैस
बाद फ्यूचर्स का लेवल भाई इसका वाई लेवल सेल लेवल दिखा देता हूँ फ्यूचर्स का, शुद्ध ओनली वन दिखाता हूँ। इसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी इधर ही इस पेज में ही आप लोग को मिल जाएगा। 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी जो है कि जो जिस कैंडल का 100 डे मूविंग एवरेज अगले दिन का कैंडल को कैंडल काट किया है उसमें आप लोग मैंने चार्ट में दिखाता नहीं हूँ, मैंने रोजी चार्ट में दिखा देता हूँ, आप लोग पहले वाला वीडियोज़ देख सकता है। तो ये कि इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। एक आप लोग चार्ट एक्चुअली मेरा नेट में प्रॉब्लम आ रहा था इसीलिए थोड़ा सा इसके बाद आप लोग पहले नोट कर लीजिए। देखिए ब्रिटानिया ओमुजेसम फेडरल बैंक ग्रासिम इसको मैं आप लोग को मिल जाएगा और पेज इंडस्ट्रीज ये सब आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इनसाइड द वार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 NR7 आप लोग देख सकता है। इनसाइड द वार वन डे का टू डे का हिसाब से है और NR4 NR7 है और ये सब कुछ जब देखिए आप लोग कुछ स्टॉक्स नोट कर लीजिए। इधर देखिए अदानी पोर्ट में यह NR4 NR7 बना है, ये अदानी पावर में वन डे का हिसाब से इनसाइड द वार हुआ है। इधर अपोलो हॉस्पिटल में NR4 NR4 बना है। इधर बॉस लिमिटेड इधर BPCL में वन डे का इनसाइड द वार भी बना है, NR4 NR7 भी बना है। और इधर देखिए हाई रही हाई लोस मतलब वायकॉन में आज लगातार 3 दिन से हाई रही हाई लोस हुआ है। बॉस लिमिटेड कैडिला हेल्थ ये सब आप लोग जस्ट नोट करके आप लोग खुद चेक कर सकता है चार्ट पे, क्योंकि मैंने चार्ट में दिखाने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैंने पिछले वाला वीडियोस आप लोग देख लीजिए, सभी समय मैंने चार्ट में दिखा देता हूँ। इसे परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए तो कैसे एंट्री लेना है और कैसे इसको किया है वो भी आप लोग देख सकता है। आप लोग जस्ट नोट करते रहिए, मैंने एक दो टाइम मिलेगा तो आप लोग एक दो को चार्ट में दिखा दूंगा। ये बुलिश एंगल्पिंग सेकआउट देखते हैं इसमें फाइल मिलेगा ये पूरा देख सकता है। आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है मेरा ग्रुप पे, उसके बाद आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग फिर सर्विस ले सकता है वो लाइव मार्केट में और रेगुलर बेसिस पे आप लोग को। इधर डार्क कवर इधर बुलिश रिवर्सल और इधर किकर सिग्नल गोदरेज सीपी में आप लोग इधर से आप लोग देख सकता है बिहारी सरामी और इधर ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक आउट आप लोग इधर से देख सकता है। इधर कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हो रहा है टाटा ग्लोबल इधर बुली सड़ामी सन फार्मा में सब चीज़ आप नोट कर सकते हैं। इधर से फिबोनाची लेवल का भी मेरे 7 दिन 5 दिन 3 डेज 2 डेज 1 डेज और का हिसाब से और 15 डेज 30 डेज 1 ईयर का हिसाब से बना है। ये आप लोग मतलब कंपेयर करके कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग देख सकते हैं और कौन जब वो सब लेवल आएगा तो तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। इधर CPR का भी कैलकुलेशन करके रखा है, देखते हैं कुछ चार्ट में कुछ आया कि नहीं। सोच लीजिए 100 डे मूविंग एवरेज मेरा जितना याद है ग्रासिम में आया था, इसको एक बार देखते हैं ग्रासिम में दिखा देता हूँ। ये देखिए ग्रासिम में ये काट किया है, इसका हाई लो जो ब्रेक किया तो इधर और कुछ दिखा देना चाहता हूँ। इधर देखिए 100 डे मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आप लोग देख लिया, उसके बाद देखिए हायर हाई हायर लोस ऐसा ट्रांसफिंग में बना है, ऐसा ट्रांसफिंग देखिए 3 डेज में हायर हाई हायर लो बना है और उसके बाद और क्या दिखाऊंगा जो इधर क्या दिख रहा है, इधर पॉजिटिव हैमर दिख रहा है CSC में देखिए ये पॉजिटिव हैमर बना है और इधर